हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस में हम पहला चैप्टर लिया है हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अगर आप इसको एनसीईआरटी बुक से समझेंगे तो ज्यादा से जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक सारे पॉइंट टू पॉइंट हम एनसीईआरटी बुक का ही लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, क्या होता है कि 9th क्लास में हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ का जब चेंज होता है, मतलब जैसे वाटर है, वाटर जो है अगर हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो आइस बन जाता है। अगर फिर उसे हम दोबारा से जमे हुए बर्फ को फिर से रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो फिर से पानी बन जाता है। तो हम देखते हैं कि बार बार वो अपनी स्टेट को बदलता है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो वाटर वाटर ही रहता है। लेकिन जब कोई ऐसी चेंज हो कि उसमें पुरानी वाली चीज़ को पाना, यानी पहली इनिशियल स्टेट पे मैटर का आ पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। जैसे कि अगर आपने दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया शाम तक, क्या हुआ, दूध जो है वो फट जाएगा और उसका दही बन जाएगा। तो क्या आप वापस उसको मतलब दूध में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि वो परमानेंट चेंज हो गया। केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो एक परमानेंट चेंज होता है। तो जब कभी भी एक ऐसा चेंज हो जाए जो परमानेंटली चेंज है, यानी कि इनिशियल स्टेट अब वापस नहीं आ सकती, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। और जहां केमिकल चेंज हो जाता है वही केमिकल रिएक्शन होती है। तो चलिए पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। चलिए अब देख लेते हैं डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है। देखिए, द प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस, वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स हो जाए, यानी कि बदल जाए न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस में विद न्यू प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी हो, न्यू हो, यानी कि पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ना हो, नया सब्सटेंस है तो नई प्रॉपर्टीज है, नई प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बनता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। अभी कह रहे हैं द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो आपका रिजल्ट मतलब जो बन करके आता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन बनने के बाद आपका बन जाता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। इसका एक एग्जांपल उन्होंने लिया कि ZN ले लिया आपने, और ZN यानी कि जिंक, और इसको आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई इसकी, तो हमारा ZnSO4 यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, और साथ ही साथ H2 गैस जो है वो निकल गई। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो आपकी बुक NCERT में दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप अपने घर पर हैं और आप दूध को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बताइए क्या होता है, क्या दूध जो है वो फट जाता है शाम तक, क्या आप उस जो दही बन गया है या खराब हो गया है दूध आपका, तो उसको आप वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं जिसमें वो था? बिल्कुल भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो मिल्क था उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब वो दही बन चुका है, ठीक है, नया सब्सटेंस बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गई और नया सब्सटेंस बन गया, और ये क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ। या आप कह रहे हैं कोई लोहे की चीज है, आयरन तवा है, आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जहां पर पानी और हवा इन दोनों का इफेक्ट बराबर है, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो जो आपका आयरन तवा था या जो भी चीज थी आपकी लोहे की,
वो क्या हो जाती है, वो रस्टेड हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह है। तो आयरन और रस्टेड आयरन ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो शुगर है वो काय में चेंज हो जाती है, एल्कोहल में चेंज हो जाती है और वो एल्कोहल बन जाता है। इसका यूज जो है फर्मेंटेशन का यूज हम वाइन बनाने में, शराब बनाने में किया जाता है, जहां पर शुगर को जो है सड़ाया जाता है, फर्मेंटेट किया जाता है और फिर उससे शराब बनाई जाती है। यह भी एक केमिकल प्रोसीजर है। खाना कह रहे हैं फूड इज कुक्ड, खाना पक गया, आप मार्केट गए, आपने मार्केट से जो है लौकी तुरैया जो भी चीज आप लाते हैं मार्केट से, उसको आप क्या करा पकाया, तो आपने देखा कि पकने के बाद और पकने से पहले क्या दोनों की पोजीशन एक सी है? नहीं, बिल्कुल अलग है। पकने से पहले लौकी तुरैया कैसी होती है और पकने के बाद कैसी हो जाती है, तो दोनों मतलब इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ना ही आप उस जो बन गया है, जो प्रोडक्ट आपका आ गया है, उससे आप पुरानी वाली चीज को पा सकते हैं। तो यही सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। इसी के साथ अब एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है और लगभग सारी बुक्स में होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्टिविटी है, क्योंकि इस एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें जो है समाई हुई है और आगे भी चल करके ये हमारे कई एग्जाम्पल्स में काम आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्टिविटी? एक्टिविटी 1.1, सबसे पहले इस एक्टिविटी के बारे में ये बताया गया है कि ये एक्टिविटी आपको टीचर के असिस्टेंट में करना है, यानी कि आपको टीचर की देख रेख में करना है, क्योंकि हो सकता है इसमें, हो सकता नहीं बल्कि इसमें थोड़ा सा यह प्रिक्योशंस करना पड़ेगी आंखों को। आप इस एक्टिविटी में ऐसा है कि जो धुआं निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो आपको आंखों को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको करना है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि आपको ये टीचर के असिस्टेंस में करना है, यानी कि टीचर की देख रेख में करना है। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, इसमें एक मैग्नीशियम रिबन ले लेना है जिसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर हो, और उस मैग्नीशियम रिबन को उसको साफ करना है। किससे साफ करना है? सैंड पेपर से। पहला आपको क्या करना है, टीचर के असिस्टेंस में इस एक्टिविटी को शुरू करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर का, और फिर उस रिबन को आपको सैंड पेपर से साफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, जो उसको आप एक टोंग से पकड़ लेना है, उसको टोंग से मतलब एक जो होता है आपका प्लास्टिक चिकंजे टाइप होता है, उसको हम पकड़ लेते हैं टोंग से उसको, ठीक है। इसके बाद और आंखों को मतलब ये आपको जो एक्टिविटी करना है इस तरीके से करना है कि ये धुआं अगर इसमें से निकले या कोई भी चीज निकले वो आपकी आंखों तक ना जाए, तो ज्यादा बेहतर है कि आप इसमें चश्मा लगा लें, सनग्लासेस लगा लें, ठीक है। तो प्रोटेक्ट योर आईज, अपनी आंखों की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करना है यहाँ पर। और तीसरा है, इसके बाद जब आप उसको जलाओगे बर्नर में रख करके मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या हुआ ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा, आपने क्या पाया? तो आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो था वो जला, कैसा जला? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, यानी गहरे सफेद धुएं के साथ वो जला, और वो चेंज हो गया काय में, व्हाइट पाउडर में, यानी कि जैसे राख हो जाती है जल लगने के बाद सफेद सफेद राख बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो पाउडर बन गया सफेद, ठीक है। अब इसकी वजह क्या हुई, तो देखिए इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, ये किसकी वजह से हुआ, मैग्नीशियम और हवा में मौजूद जो एक ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन की वजह से ये रिएक्शन हुई, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। चलिए आप इसका हम देख लेते हैं क्या इसकी रिएक्शन है, समझ में आ जाएगा आपको। देखो Mg यानी कि ये मैग्नीशियम है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन से, तो बना MgO, और ये बैलेंस नहीं है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा के बैलेंस कर दिया। ये बैलेंस कैसे होती है ये भी मैं आप इसी वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में, और उसी टेस्ट ट्यूब में आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो आपको यहाँ पे हमें पता है कि लेड नाइट्रेट जो होती है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। जब इस कलरलेस सॉल्यूशन में हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। तो जब हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो हमें, अगर थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब को लाते हैं, तो हमें येलो कलर का परसिपिटेट
मिल जाता है। तो प्रसिपिटेट एक ऐसी सॉल्यूशन होती है जो उस दूसरी सॉल्यूशन में घुलती नहीं है, यानी कि उस पूरी सॉल्यूशन में वो पीला कलर का जो प्रसिपिटेट है वो अलग ही आपको दिखेगा, वो इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कलरलेस स्लेट नाइट्रेट जो था वो कैसे कलर का हो गया, येलो कलर का प्रसिपिटेट उन्हें बना दिया। तो यहां पर हमें ये पता चला कि केमिकल रिएक्शन कलर चेंज कर रही है, ठीक है। पहले वाले में था जो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का पढ़ा, उसमें उसकी जो थी स्टेट चेंज हो गई, यहां पर क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। आप देखते हैं एक्टिविटी 1.3, उससे हमें क्या पता चलता है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.3 कह रहा है कि जिंक ग्रैनुल्स आप ले लीजिए, यानी कि जिंक का छोटा छोटा चूर या पाउडर ले लीजिए आप एक फ्लास्क में, और उसी फ्लास्क में आप HCl डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि धीरे 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 वो जो फ्लास्क है वो गर्म होने लगेगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर इस रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इन सब एक्टिविटीज यानी कि 1.2, 1.3, 1.1 इन सब के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। चलिए अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या केमिकल रिएक्शंस अगर होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले चेंजेस आता है चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट बदल जाती है। जैसे पहले ही एक्टिविटी में हमने करा कि मैग्नीशियम एक वेपर था, उसको हमने जलाया तो वो क्या बन गया, एक राख बन गया, ऐश बन गया, पाउडर बन गया, तो उसकी स्टेट में चेंज आ गया। दूसरा चेंज इन कलर, जो दूसरी हमने रिएक्शंस करी थी जिसमें कलरलेस पोटेशियम कलरलेस लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम हाइड्राइड के साथ जब गर्म कर रहे थे येलो कलर का प्रसिपिटेट बन गया था, यानी कलर चेंज हो रहा था वहां पर। चेंज इन टेम्परेचर भी इसका तीसरी एक्टिविटी में हमने देखा कि जब हमने ZN के साथ HCl को मिला दिया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसी वाले में टेम्परेचर वाले में गैस भी निकलती है। ये आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं तो उसमें से H2S गैस निकलती है, वो भी पॉप साउंड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एसिड की रिएक्शन जब हम कराएंगे किसी मेटल से तो उसमें से गैस निकलेगी H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो भी पॉप साउंड के साथ, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके बाद तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रसिपिटेट, अगर रिएक्शंस के बाद प्रसिपिटेट बन रहा है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का चेंज है। इस तरीके से हमने ये पांच चेंज इसमें पढ़ लिए। अच्छा अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय अ केमिकल इक्वेशंस, कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व द फॉर्मूले, ये किस चीज को इन्वॉल्व किए हुए होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं। किसके फॉर्मूले होते हैं, रिएक्टेंट के फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, एज वेल एज रिएक्शन कंडीशन, और साथ ही साथ रिएक्शन की कंडीशन भी बताई गई होती है इस इक्वेशन के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जो केमिकल इक्वेशन होगी वो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगी, एक तरीके से किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और उसी इक्वेशन के अंदर जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसका भी केमिकल फॉर्मूले, और जो आपको प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके भी केमिकल फॉर्मूले इन्वॉल्व रहते हैं। इस तरीके से ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह है कि हमें केमिकल इक्वेशंस की जरूरत पड़ रही है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको भी। कह रहा है कि आपने एक्टिविटी 1.1 करी, आप एक्टिविटी 1.1 को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, वो जला, उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब आप इस चीज को बोल रहे हैं या लिख करके दे रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। तो इसी डिस्क्रिप्शन को छोटा करने के लिए हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने कराई किससे, ऑक्सीजन से, और बनने के बाद क्या आया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम रिएक्शन को लिख करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो हम कहेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है ये? वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड इक्वेशन है आपकी। ठीक है, समझ भाई बात। इसमें ये क्या है आपका, आपको पता ही, ये क्या चीज है आपकी, रिएक्टेंट है ये। ठीक है, और ये क्या है इसका, प्रोडक्ट है। अब कह रहा है कि क्या हम इसको, इस वर्ड इक्वेशन को और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, और कंसाइज कर सकते हैं, और इजी तरीके से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर हम इनकी, इनके वर्ड्स की जगह मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम इसकी जगह इसके सिंबल और इसके फॉर्मूले यूज करेंगे तो ये और आसान हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम है तो ये हमें पता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है, और ये बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बात याद रखिएगा कि ये अभी आपकी बैलेंस नहीं है रिएक्शन, इसको बैलेंस करके बताएंगे आगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमेशा O2 में ही आपको नेचर में मिलेगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक सिंबल है वो O है, लेकिन ये हमें जब भी मिलता है नेचर में वो O2 में मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो हमें नेचर में फ्री स्टेट में O2 के फॉर्म में मिलता है। जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो O2 ही लिखेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हम देख, हम ये तो आपका आ गया Mg प्लस O2 प्लस MgO। ये अगर हम इसकी बैलेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो वो इक्वेशन जो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है जबकि वो बैलेंस नहीं है, तो हम इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम कहेंगे स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि ये सिर्फ ये चलिए अब हम पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, सब जरा इसके बारे में पहले गौर कर लेते हैं। क्या लिया हुआ है आपका, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 OH2। हम दोनों साइड्स देखते हैं कि दोनों साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं है, देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, दो हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, टू है, यानी कि बराबर है। Zn यहाँ पर कितना है, सिंगल, यानी कि एक है, यहाँ पर भी Zn केला है। SO4 यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये इस तरह की रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस है। अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करें, तो देखते हैं। एक रिएक्शन दी भी है आपको, Fe+H2O = Fe3O4+H2, ये रिएक्शन आपको दी भी है। अब इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन जाहिर सी बात है अनबैलेंस है, इस अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे पता चला, देखो Fe यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर Fe कितने है, तीन है, यहाँ H2 कितना है, एक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ H2 दो है, H तो बराबर है, लेकिन O यहाँ पर एक है और O यहाँ पर चार है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा और कम है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस है। तो किसी अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, आइए इसको समझते हैं। चलिए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है Fe+H2O Fe3O4+H2, जाहिर सी बात है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम हर एक पे बॉक्स बना लें, इसका भी बॉक्स बना लें, इसका भी बॉक्स बना लें, इसका भी बॉक्स बना लें, और इसका भी बॉक्स बना लें। और बॉक्स बनाने के बाद अभी इनसाइड इसके कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स बना करके आपको छोड़ देना है। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं, उनको काउंट करना है। ठीक है, जैसे Fe H2O, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो आपको दोनों साइड्स पे ये देखना है कि कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो Fe नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यहाँ पर एक दिया गया, यहाँ पर कितने हैं, थ्री है, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पे कितने हैं, थ्री है, तो थ्री लिख दिया हमने। ठीक है, एच के इधर कितने हैं, टू है, उधर कितने हैं, टू है, तो एच का तो बराबर है। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, एक है, और यहाँ पर कितनी है, फोर है।
तो पहले इन दो स्टेप्स में हमने क्या करा, फिर ये काउंट कर लिए, पहले तो हमने बॉक्स बना लिए पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ एटम्स को हमने काउंट कर लिया। अब हम देखते हैं आगे, चलिए अब देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या देखेंगे हम, कि जो ऑक्सीजन गए, ऑक्सीजन के जो एटम है उनको ले लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का एटम ले लिया हमने, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट में। तो ऑक्सीजन का एटम H2O यहाँ पर लिया हमने, और रिएक्टेंट में कितना है यहाँ पर इनिशियल स्टेज में इसका एक है, वन है, और फाइनल स्टेज में कितने हैं ऑक्सीजन के एटम, चार है, यानी कि प्रोडक्ट में कितने हैं चार, और इसमें कितने हैं इसके रिएक्टेंट में वन है। तो सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा, टू बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस वन की मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगी, फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम बॉक्स से बाहर रख देंगे इसको फोर को, तो आपका यहाँ फोर हो जाएगा, फोर एच टू ओ, यानी कि समझ में आया, यहां पर ऑक्सीजन के कितने फोर है, यहां पर पहले रिएक्शन से पहले यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर हमने H2O में एक था तो एक, और यह वाला हमने चार चार लिख लिया। अब हम इसको भी चार लाना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, इसकी चार से मल्टीप्लाई कर दी फोर से, और वो फोर हमने कहाँ लगा दिया, H2O के सामने। अब हमें बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन को। अब क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर हमने फोर लगा दिया, अब ये तो फोर टू एट, हाइड्रोजन के तो एट हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने रह गए, दो रह गए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के देखिए इनिशियली कितने हैं, यहां पर कितने हो गए, एट हो गए, रिएक्टेंट में कितने हो गए, एट, और प्रोडक्ट में कितने रह गए आपके, सिर्फ टू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स वाले को भी बराबर करने के लिए, यानी कि टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी टू को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से, तभी तो ये आएंगे एट आपके। तो आपने क्या करा, यहां पर भी इसको भी क्या कर दिया, फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये फोर टू था एट हो गए आपके, ठीक है। इनिशियली लिख दिया, इनिशियली ये एट थे, फिर इनिशियली ये टू थे, और बैलेंस में कितना होगा, ये एट हो गए। अब इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई आपकी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब आपका रह गया क्या, एफ ई थ्री रह गया। अब आप देखिए एफ ई थ्री को भी ऐसे ही आप बैलेंस कर सकते हो कॉलम बना करके, स्टेप नंबर फाइव हो जाएगा ये आपका इस तरीके से, स्टेप फाइव। इसको हमने कॉलम बना लिए, यहां हमने लिख लिया एफ ई। आप देखिए रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में एफ ई कितना है, एक है, इनिशियली कितना है, रिएक्टेंट में एक है, और प्रोडक्ट में कितना है, थ्री है। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थ्री की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी एक से, ये भी, यानी के जो आपका रिएक्टेंट है उसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। इसका मतलब ये थ्री से मल्टीप्लाई हो गई, अब सारी चीजें आपकी क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम जो आपकी इक्वेशन बन करके आ गई है, अब उसको एक बार में यहाँ स्टेप नंबर सिक्स में लिख देंगे, थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू, ये क्वेश्चन हम ऐसे लिख देंगे। अगर ये आपका पूरा लिखने को आता है तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ बैलेंस ही करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए एफ ई प्लस एच टू ओ एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू, ये आपकी रिएक्शन थी अनबैलेंस, आपको इसको बैलेंस करना था। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर एफ ई वन है, यहाँ पर एफ ई थ्री है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर सिंगल आपका एफ ई है, तो आपको यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ ई तो बराबर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ओ एक है और यहाँ पर ओ कितने है, फोर है, तो आपने क्या करा, पहले यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई कर दी, तो अब फोर ओ हो गए, सही हो गया, मगर ये क्या हो गया, फोर टू जा एट, एच कितने हो गए इसके, एट हो गए। तो आपको यहाँ एच पी कितने करना पड़ेंगे, एट करना पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से भी आप डायरेक्टली, मतलब अगर आपको वेरी शॉर्ट में आया है बैलेंस करने के लिए, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं।
जो आपका वो प्रोसीजर है वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके साथ साथ अगर हम इसमें इस इक्वेशन में अगर इसके हम फिजिकल स्टेट को भी अगर मेंशन करते हैं तो ये इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है, यानी कि इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। यानी कि अगर आप 3Fe इसके अगर आपने क्या लिख दिया S, यानी कि ये जो है 3Fe जो है वो कैसा है सॉलिड है, और 4H2O ये आपका कैसा है ये वेपर में यानी गैस की फॉर्म में है, और फिर बन के जो आया आपका Fe3O4 ये आपका सॉलिड में है, और फिर 4H2 ये आपका गैस में है। तो अगर हम इसके सिंबल इसके साथ साथ लगा दें तो इसका मतलब ये क्या है, ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देने वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से ये हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और उसके बाद रेंसिडिटी और कोरोजन पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।